लावल से क्या होता है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये करेंगे इसकी डेफिनेशन पहले मैं इससे पहले वाली वीडियो में जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिविडेंड मतलब लावल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें और लावल की रूप। तो आज हम समझते हैं थोड़ा सा लावल के बारे में कि लावल क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी अपने जो कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग जो अपना अंश कहलाता है, क्या है कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग अंश कहलाता है और अपनी कंपनी अंश को जारी करती है और जारी करने के बाद जनता उन अंश को खरीद लेती है। जनता जब अंश को खरीदती है तो अंश खरीदने के बाद जो जनता जिन पैसों से अंश खरीदती है वो पैसा कंपनी के पास पहुंच जाता है। अब कंपनी के पास पहुंच जाता है और उन पैसों से कंपनी अपना कारोबार शुरू कर लेती है और कारोबार करते समय कंपनी को जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है वो उस हिसाब से लाभ का भाग बांट लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं लाभ। अगर लाभ का वह भाग जो भी व्यक्तियों को अंश खरीदने के बारे में दिया जाता है वो हमारा लाभांश कहलाता है। देखिए आपने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो कंपनियां अपने शेयर जो है वो इशू करती है, जारी करती है। अब शेयर को खरीदेगा कौन? जनता। और जनता किस लिए खरीदेगी? फ्री में तो शेयर खरीदेगी नहीं, जनता क्यों शेयर खरीदेगी? लाभांश के लिए। तो जनता जब जनता के लिए जब शेयर जारी किए जाते हैं तो जनता उन शेयर से इस शेयर का कुछ लाभ निकल लेना चाहती है, मतलब जो पूंजी होती है पूंजी का वो लाभ लेती है और कंपनी वाले जो भी उस हिसाब से उनका लाभ होता है वो उसको बांट लेते हैं। इसीलिए जो डिविडेंड है लाभ